बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड इंशाल्लाह आफ्टर वाचिंग दिस यू विल बी एबल टू कवर ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ट्रिकी एमसीक्यूज व्हिच आर रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन एंड व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज स्टेरिक नंबर, हाउ वी कैन डिटरमिन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम एंड व्हाई वी डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन एंड सम एग्जाम्पल्स एंड विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर इज आइसो स्ट्रक्चरल, जैसे कि अक्सर ईटा में या दूसरे टेस्ट में पूछा जाता है कौन सी वाली में कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल होगा, कौन से मालिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होगी, मालिकुलर ज्योमेट्री सेम होगी, वट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. सो ऑल दिस पॉइंट्स विल बी कवर इनशाला इन दिस वीडियो. नाउ फॉर एग्जाम्पल बीरीलियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक मैंने एक पेयर सेपरेट लिखा हुआ है. यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कार्बोनेट आयन नाइट्रेट आयन. व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द ज्योमेट्री ऑफ दीज थ्री केमिकल स्पीशीज, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है CH4 मीथेन सल्फेट आयन फॉस्फेट आयन एमोनियम आयन, और ये मैंने अलहदा लिखा हुआ है एमोनिया एंड वाटर. इन सारों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन अभी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. इसी तरह SF4 PCl5 इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इनमें जो बॉन्ड्स हैं वो सारे इक्वल भी नहीं है. कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर हमको किस तरह पता चलेगा कि किस मालिक्यूल में सारे बॉन्ड्स इक्वल है या नहीं है, या एक क्वेश्चन आया था विच ऑफ़ द फॉलोइंग मालिक्यूल्स हैव ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल. तो इंशाल्लाह ये भी हम डिस्कस करेंगे. ये वाला जो है मिथाइल फ्री रेडिकल, ये कार्बन जो है ट्राइफ्लोराइड फ्री रेडिकल है कार्बन का, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फ्री रेडिकल है. तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगा और किस तरह हम मालूम करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द हाइब्रिडाइजेशन वन बाय वन. तो आज ये आप सब नोट कर लीजिए जो मैंने लिखा हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और इंशाल्लाह आई दिस कवर यूर ईटा एंड अदर कॉम्पिटिटिव टेस्ट. सो आप ये नोट कर लें ताकि मैं प्रोसीड करूँ हाइब्रिडाइजेशन. सो आई यू नो हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स टू प्रोड्यूस सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच आर डीजनरेट टू हैव अ स्टेबल ज्योमेट्रिकल शेप. फॉर एग्जांपल अगर हम बीरीलियम लें, बीरीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इट इज़ द मेंबर ऑफ व्हाट, इट इज़ द मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 4. सो 1s2 2s2 और 2p2 इसका क्या है, वो एम्प्टी है. सो अगर एंड एज वी नो बीरीलियम बींग द फर्स्ट मेंबर इट फॉर्म कोवेलेंट अकॉर्डिंग टू फाजन्स रूल, बीरीलियम हाई चार्ज डेंसिटी सो इट टेंड टू फॉर्म कोवेलेंट रादर देन आयनिक कंपाउंड्स. बीरीलियम क्लोराइड सेकंड ग्रुप का कौन सा है, ये कोवेलेंट है. सो अगर हम वेलेंस बॉन्ड थ्योरी की देख लें तो यहाँ पर तो ऑर्बिटल दोनों क्या है, फील्ड है. सो अकॉर्डिंग टू VBT ये तो बॉन्ड नहीं बना सकता. यहाँ पर तो 2p क्या है, ये तो बिल्कुल एम्प्टी है इनके जो 3 ऑर्बिटल्स है. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट हो जाए सो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा. 1s और 1p हाइब्रिडाइज करेंगे और हमको 2sp हाइब्रिड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स देंगे. इट मींस बीरीलियम में जो कोवेलेंट बॉन्ड है बोथ साइड्स वो sp ऑफ बीरीलियम और p ऑफ क्लोरीन के सिग्मा ओवरलैप से बने हुए हैं. इसी तरह sp बीरीलियम और ये p ऑफ क्लोरीन से दो सिग्मा बॉन्ड्स बने हुए हैं. एंड अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी जैसा कि हमने पढ़ा है देयर आर 2 बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स द मैक्सिमम सेपरेशन हैज बीन अटेंड एट 180 डिग्री, दैट्स वाई वी कैन से दैट बीरीलियम क्लोराइड इज लीनियर ज्योमेट्रिकल शेप. एंड इन द सेम वे कार्बन डाइऑक्साइड इट्स स्टेरिक नंबर इज ऑल्सो वट 2. एज आल यू नो स्टेरिक नंबर इज एक्चुअली इक्वल टू द नंबर ऑफ अटैच्ड एटम्स टू द सेंट्रल एटम्स, नंबर ऑफ अटैच्ड एटम प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम. तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे, स्टेरिक नंबर. और स्टेरिक नंबर की मदद से हम easily मालूम कर सकते हैं द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम. सो इन बीरीलियम क्लोराइड बीरीलियम क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है. और ये आपको यहाँ से पता चल गया कि वाई वी डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ को प्रोमोट, जैसा कि आपने कार्बन में भी यही कुछ पढ़ा हुआ है. इट मीन्स बीरीलियम क्लोराइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बोथ आर आइसो स्ट्रक्चरल. बीरीलियम क्लोराइड भी लीनियर है और कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर है
और दोनों में सेंट्रल एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट्स क्या है, ये एसपी है। तो स्टूडेंट कहते हैं कि सर यहाँ पर तो दोनों साइड में सिंगल बॉन्ड्स है और यहाँ पर दोनों साइड में क्या है, डबल बॉन्ड। तो एज आई यू नो एक्चुअली द स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है, पाई बॉन्ड इज फॉर्म आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द स्केलेटन, स्केलेटन डिपेंड ऑन द फॉर ऑन व्हाट ऑन द सिग्मा बॉन्ड। सो बोथ आर लीनियर। और जैसा कि व्हिस्पर थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा है कि दैट डबल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड, तो इसका मतलब ही यही है कि जो ज्योमेट्री है, जो शेप है, उसका डिपेंड कहाँ पर है, सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है जब स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल ऑलरेडी बन जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड कार्बोनेट आयन नाइट्रेट आयन NO3-1। ठीक है ना, बोरान का भी आपको पता है इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्रुप थर्ड, 1s2 2s2 2p1। तो अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख ले, सो देयर इज ओनली वन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, सो अकॉर्डिंग टू VBT इट कैन ओनली फॉर्म वन कोवेलेंट बॉन्ड, बट एक्चुअली इन BF3 इन्होंने तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हैं। सो टू रिमूव दिस डिस्क्रिपेंसी 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रोमोटेड फ्रॉम 2s to 2p, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 1s और 2p हाइब्रिडाइज करेंगे तो 3 हमारे पास क्या बन जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच आर डीजेनरेट। सो इट मीन्स इन BF3 द सेंट्रल एलिमेंट इज एक्चुअली वट sp2 हाइब्रिडाइज एंड द आइडियल बॉन्ड एंगल फॉर sp2 इज वट 120 एंड देयर आर हाउ मच, 3 बॉन्ड एंगल्स 120 मल्टीप्लाई बाई 3 तो क्या आ जाएगा 360। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रायागोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ये क्या है, ट्रायागोनल है और क्या है, प्लेनर, कि ऑल द 3 बॉन्ड एंगल्स हैव बीन एकोमोडेटेड इनटू 360 व्हिच इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द टोटल सर्कल। सो दैट्स व्हाई इट इज BF3 इज अ प्लेनर मॉलिक्यूल। नाउ कार्बोनेट आयन एंड नाइट्रेट आयन, तो इसमें किस तरह होगा, कार्बोनेट आपको स्ट्रक्चर का पता है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट, ये एक रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये एक रिजोनेंस स्ट्रक्चर भी देगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोमोट हो जाए तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डीलोकलाइज है, अगर ये यहाँ पर आ जाए तो ये यहाँ पर आ जाएगा। सो कार्बोनेट, सो सिंपली व्हाट इज द स्टेरिक नंबर ऑफ कार्बन इन कार्बोनेट आयन, कार्बन इज अटैच टू हाउ मच, 3 अटैच एटम्स, सो द स्टेरिक नंबर ऑफ कार्बन हियर इज व्हाट, 3, एंड इफ इट इज 3 इट मीन्स इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। सो ऑल्सो कार्बोनेट आयन इज आइसो स्ट्रक्चरल टू BF3। नाउ NO3 नाइट्रेट आयन, सो नाइट्रेट आयन भी इसी तरह है, ये भी इसी तरह है, NO3-1। सो ये भी हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पर जो है ये भी, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डीलोकलाइज हो जाए तो ये पेयर यहाँ पर ये है आ जाएगा। सो द स्टेरिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज ऑल्सो 3, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो sp2 एंड ट्रायागोनल प्लेनर। सो ऑल दिस नाइट्रेट कार्बोनेट एंड BF3 ऑल दिस आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड आइसो स्ट्रक्चरल केमिकल स्पीशीज, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट है, लेकिन ये तो क्या है, यहाँ पर तो चार्जेस है, आइज है, सो केमिकल स्पीशीज का लफ्ज हम यूज करेंगे। सो नाउ लेट्स डिस्कस CH4, द वेल नोन एग्जाम्पल, आई यू नो इट इज sp3, और sp3 के लिए आइडल बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109.5, और इसकी ज्योमेट्री जो है क्या होगी, टेट्राहेड्रल, और एक्चुअली ये स्ट्रक्चर क्या होगा स्टूडेंट, नॉन प्लेनर, क्योंकि 4 बॉन्ड्स है, 109 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 360 में तो एकोमोडेट नहीं होता, सो दैट्स वाई 1 बॉन्ड, ये लाजिमी सी बात है कि क्या होगा, आउट ऑफ द प्लेन, ये इस तरह होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा, जिसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, नाउ CH4, तो इसके लिए हम कुछ और मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल केमिकल स्पीशीज SO4-2, एज आई यू नो द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन आयन चला जाएगा, -1 आ जाएगा, यहाँ पर -1 आ जाएगा, सो सिंपली व्हाट इज द स्टेरिक नंबर,
सल्फर इज द मेंबर ऑफ ग्रुप सिक्स, टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर है, टू यहाँ पर, वन यहाँ पर और वन यहाँ पर, सो टोटल इसका स्टीरिक नंबर क्या आ रहा है? सल्फर का भी स्टीरिक नंबर क्या है? फोर, जैसा कि कार्बन का है. इट मीन सल्फेट आयन में भी द सल्फर इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इट हैज आल्सो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. इट इज आल्सो व्हाट? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. सो CH4 एंड सल्फेट आयन आर एक्चुअली व्हाट? आइसो स्ट्रक्चरल. नाउ लेट्स डिस्कस अनदर एग्जांपल ऑफ फॉस्फेट आयन PO4. ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है, मैं तो सिर्फ आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ. अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता हो तो आप ये MCQs इजीली सॉल्व कर सकते हैं. फॉस्फेट आयन, सो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट आयन. OH और TOH. तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन आयन चला जाए, यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? -3 आ जाएगा यहाँ पे. लेकिन वी आर इंटरेस्टेड इन द स्टेरिक नंबर ऑफ फॉस्फोरस फॉर द हाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स ज्योमेट्री. सो फॉस्फोरस इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फिफ्थ, टू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर, 3, 4 और 1, 5. तो फॉस्फोरस का भी स्टेरिक नंबर यहाँ पर है क्या? 4. एंड इट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी. सो इट इज ऑल्सो टेट्राहेड्रल. नाउ डिस्कस एमोनियम आई NH4+, जो कि बना है NH3. जब ये लोन पेयर अपना देगा किसको? एक प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन को, तो इससे बनेगा क्या? एमोनियम आयन. तो एमोनियम आयन में भी पहले तो एमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर था, लेकिन जब ये लोन पेयर यहाँ पर डोनेट हो जाएगा, सो वेन एवर अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट विल एडॉप्ट द करेक्टर्स ऑफ व्हाट? कोवेलेंट बॉन्ड. सो नाउ ऑल दीज बॉन्ड्स आर एक्चुअली इक्वल. NH4 आयन ये हमारे साथ बन गया. सो इस यहाँ पर भी नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर क्या है? 4 है. और ये भी क्या होगा? sp3 होगा. और ज्योमेट्री इसकी क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी. इट मीन्स CH4 अगर हम ले लें, या SiH4 ले लें, या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले लें, या कार्बन टेट्राक्लोराइड, या हम ले लें सल्फेट आयन, या हम ले लें क्या? फॉस्फेट आयन, या अगर हम डिस्कस करें एमोनियम आयन. सो इन ऑल दी स्पीशीज स्टूडेंट्स, ये आप नोट करते जाए, इन ऑल दी स्पीशीज द सेंट्रल एलिमेंट इज व्हाट? sp3 हाइब्रिडाइज, एंड इट्स ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बॉन्ड एंगल जो है वो साइज ऑफ सेंट्रल एलिमेंट में डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ अटैच एटम पर भी डिपेंड करता है, लेकिन उनकी क्या होगी? ज्योमेट्री जो है टेट्राहेड्रल, और हाइब्रिडाइजेशन इन सारों में क्या है? sp3 है. ठीक है, तो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था कि सर sp3 के लिए बॉन्ड एंगल हमेशा 109.5 डिग्री होगी, तो ये ज़रूरी तो नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ कि स्टेबल बॉन्ड एंगल ये है. sp3 के लिए स्टेबल बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री है, क्योंकि मैक्सिमम सेपरेशन इस पे आती है, और जब मैक्सिमम सेपरेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होगी? स्टेबल होगी, जैसा कि CH4 में है. लेकिन आप सबको पता है कि अगर ये हम ले लें साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर ईच कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट बॉन्ड एंगल क्या है? 90 डिग्री है. यहाँ पर भी sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल 90 है. इसी तरह अगर हम डिस्कस करें साइक्लोप्रोपेन, तो यहाँ पर भी ईच कार्बन क्या है? sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या है? 60 डिग्री, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंगल ऑफ स्ट्रेंथ. सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह हम अब पढ़ेंगे. फिर इसी तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल एमोनिया ले लें, तो एमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल 107.5 है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर. इसी तरह अगर हम वाटर को लें, वाटर में भी ऑक्सीजन sp3 है, लेकिन बॉन्ड एंगल हैज़ बीन ट्विस्टेड टू 104.5 डिग्री बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स. सो इट डजंट मीन sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर विद एनी टाइप ऑफ बॉन्ड एंगल, बट स्टेबल बॉन्ड एंगल फॉर sp3 इज व्हाट? 109.5 डिग्री. एंड द डिविएशन फ्रॉम स्टेबल बॉन्ड एंगल विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसा कि आप लोग इंशाल्लाह सेकंड ईयर में हम पढ़ेंगे, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा. नाउ NH3 एंड दूसरा है वाटर. तो जैसा कि इससे पहले हमने बहुत सी केमिकल स्पीशीज में sp3 पढ़ा, तो यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर नाइट्रोजन का क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर है 4. नंबर ऑफ अटैच एटम्स
प्लस लोन पेयर्स, तो इससे भी स्टेरिक नंबर फोर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि एक लोन पेयर है एंड एज वी नो लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस बिकॉज इट बिलोंग्स टू ओनली वन एटम, द बॉन्ड पेयर हैज बीन कंप्रेस्ड बिटवीन द टू एटम्स, सो दिस लोन पेयर विल एग्जर्ट मोर रिपल्जन ड्यू टू विच द बॉन्ड आइडियल बॉन्ड एंगल फ्रॉम 109.5 डिग्रीज टू 107.5 डिग्री एंड दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप इज कॉल्ड पिरामिडल ट्रायगोनल पिरामिडल शेप। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री भी किसी तरह है CH4 की तरह है, ये भी टेट्राहेड्रल है इलेक्ट्रॉनिकली, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इसकी क्या है पिरामिडल शेप है, क्योंकि यहाँ पर भी फोर पेयर्स है, यहाँ पर भी फोर पेयर्स है, ऑक्सीजन में भी क्या है फोर पेयर्स ही होंगे, जैसा कि ऑक्सीजन में भी क्या है स्टेरिक नंबर फोर है, टू लोन पेयर्स एंड टू अटैच एटम्स, सो यहाँ पर भी ऑक्सीजन इज SP3 हाइब्रिडाइज बट इट्स एंगुलर, इट इज एंगुलर शेप बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर्स। सो अगर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और विच हैव सेम ज्योमेट्री, तो शेप और ज्योमेट्री में थोड़ा सा ये डिफरेंस है, शेप हम डिस्कस करेंगे विदाउट लोन पेयर्स और ज्योमेट्री इंक्लूडिंग विद द नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। सो इन सारों की ज्योमेट्री क्या है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर शेप इन सारों का क्या है डिफरेंट है, ये टेट्राहेड्रल है CH4, ये ट्रायगोनल प्लेनर है और ये क्या है एंगुलर है, लेकिन सारों का स्टेरिक नंबर क्या है फोर, सारों में हाइब्रिडाइजेशन क्या है SP3 है, ठीक है। सो दिस इज द लिटल डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर शेप एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। जैसा कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया CH4, CCl4, SiH4, SO4-2, एमोनियम आयन और इसी तरह फॉस्फेट आयन, सारों में ये सारे टेट्राहेड्रल है, सारों में स्टेरिक नंबर क्या है फोर है, सारों में जो है SP3 हाइब्रिडाइजेशन है, बिकॉज हमने ऑलरेडी स्ट्रक्चर की मदद से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है, इन एवरी वन देयर इज टोटल फोर इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैव बीन अरेंज, बिकॉज अगर डबल बॉन्ड भी है यहाँ पर या पासपोरस में, सो आपको पता है डबल बॉन्ड बिहेव लाइक अ सिंगल बॉन्ड एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द ज्योमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल। सो नाउ लेट्स डिस्कस SF4 एंड PCl5। सो एज यू नो SF4 सल्फर इज द मेंबर ऑफ ग्रुप फोर, स्टूडेंट सल्फर इज द मेंबर ऑफ व्हाट ग्रुप फोर, तो यहाँ पर एक लोन पेयर है और फोर क्या है बॉन्ड पेयर्स, तो इनका सारा स्टेरिक नंबर क्या होगा फाइव होगा, और जब स्टेरिक नंबर इसका फाइव है इट मींस इट हैज SP3 डीहाइब्रिडाइजेशन एंड इट्स मॉलिक्यूलर शेप इज ट्रायगोनल बाया पिरामिडल शेप, ट्रायगोनल बाया पिरामिडल शेप। इसी तरह अगर आप PCl5 ले लें, सो PCl5 जैसे कि हमको पता है फॉस्फोरस इज द मेंबर ऑफ व्हाट ऑफ ग्रुप फिफ्थ, सो इट कैन शेयर ऑल इट्स फाइव इलेक्ट्रॉन्स विद व्हाट विद फाइव क्लोरीन एटम, और यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर क्या आ रहा है स्टेरिक नंबर है फाइव, और ये भी ट्रायगोनल बाया पिरामिडल होगा, लेकिन यहाँ पर सारे क्या है बॉन्ड पेयर्स है, लेकिन यहाँ पर फोर बॉन्ड पेयर और ये क्या है एक लोन पेयर, तो इसकी ज्योमेट्री थोड़ी सी क्या होगी ट्विस्टेड होगी, बेंड शेप होगी, सीसा शेप होगी, लेकिन यहाँ पर ये प्योर ट्रायगोनल बाया पिरामिडल शेप होगा, और ट्रायगोनल बाया पिरामिडल में क्या है कि इनकी जो फॉर एग्जांपल फास्फोरस, ठीक है, ये हो गए इनके टू क्लोरीन, ये एक क्लोरीन ये हो गया और एक ये हो गया। सो यहाँ पर स्टूडेंट आप एक बात नोट करें कि कौन से वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सारे बॉन्ड्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर जो ये दो क्लोरीन है इनको हम कहते हैं एक्सियल, और ये जो तीन है इनको हम कहते हैं इक्वेटोरियल, जो इक्वेटोरियल का बॉन्ड एंगल है ये 120 है और एक्सियल का बॉन्ड एंगल क्या है 90 है, तो लाजिमी सी बात है जब बॉन्ड एंगल चेंज होगा तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी चेंज होगी, सो एक्चुअली PCl5 हो गया या SF4 एटसेट्रा हो गए, सो सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स ड्यू टू विच ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट एनर्जेटिकली इक्वल। तो कल एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग
in which of the following all bonds are not equal, all bonds equal नहीं है. तो जब bond angle different है तो लाजिम इसी बात है 90 में जो है ये रिबल्जन ज़्यादा होगी, क्योंकि एटम एक दूसरे के क्या है, करीब है, तो ये बॉन्ड ज़्यादा क्या होगा, लेंथी होगा, ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा. जो 120 पर सेपरेशन है तो ये बॉन्ड्स क्या होंगे, ये थोड़े से एक्सियल की बनस्पत ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे. तो इनकी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी. सो यू शुड नो, ये हमारे कोर्स में भी इतना है नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट बार बार अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, तो दैट्स व्हाई आई डिस्कस इट के व्हाट इज मेंट बाय ट्रायगोनल बाया पिरामिडल ज्योमेट्री एंड SP3 डीहाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि एक्चुअली ये है भी डी एंड एफ ब्लॉक ऑफ सेकंड ईयर में इस तरह की कुछ क्वेश्चन है, SP3D2 हाइब्रिडाइजेशन एटसेट्रा. सो आई थिंक यू शुड नो दिस पॉइंट, एक्सियल इक्वेटोरियल टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स इन सच मॉलिक्यूल्स ड्यू टू विच दे हैव टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड लेंथ्स, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड एनर्जीज, टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड स्टेबिलिटीज. सो नाउ द हाइब्रिडाइजेशन, ज्यादा स्टूडेंट ये क्वेश्चन कहते हैं कि सर what is the hybridization in methyl free radical and what is the hybridization in trifluorocarbon, jo hai ye trifluorocarbon ko three fluorine attach hai, so what is the hybridization in these two chemical species. So in CH3 yahan par jo hai jab hum spectroscopic analysis karte hai to CH3 ki geometry jo hoti hai wo kya hai, wo planar hai. और प्लेनर ये तब ही होगी जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP2. मैं आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस पहले बताता हूँ फिर उसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देता हूँ. तो यहाँ पर है ये वाला, जब हम इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं तो इनका जो शेप है वो एक्चुअली क्या आता है, वो आता है नॉन प्लेनर टेट्राहेड्रल. और टेट्राहेड्रल ये तब होगा जब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, SP3 होगी. तो यहाँ पर ये SP2 है बिकॉज यहाँ पर जो है 1s एंड 2p हैज टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर हाइब्रिडाइजेशन एंड द 1p रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड. सो दिस अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक्चुअली बिलोंग इन द पेयर पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन व्हिच डजंट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, बट हियर व्हेन द सेंट्रल एलिमेंट is attached to more electronegative elements, so this electron pair cannot remain in the pure p orbital of this carbon because these electronegative elements attract this electron towards itself, due to which it participate in the bond in the hybridization, and 1p जो orbital unhybridized है CH3 free radical में, it also takes part in हाइब्रिडाइजेशन. और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन SP2 की जगह क्या हो जाती है, SP3 हो जाती है. तो आप स्टूडेंट ये समझ लें कि जब सेंट्रल एलिमेंट अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स को अटैच हो तो जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर वो क्या होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सो CH3 इज़ व्हाट, प्लेनर एंड SP2 हाइब्रिडाइजेशन. लेकिन जब कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अटैच होगा या सेंट्रल एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को अटैच होगा, देन दिस इलेक्ट्रॉन विल आल्सो टेक्स पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन एंड द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वेयर इट इन द मिथाइल फ्री रेडिकल विल आल्सो हाइब्रिडाइज्ड. और यहाँ पर जब ये हाइब्रिडाइज्ड होगा सो लाजिमी सी बात है कि 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एंड दिस इलेक्ट्रॉन. सो हम ये क्वेश्चन इस तरह भी कर सकते हैं, द अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल ऑक्यूपाइड विच ऑर्बिटल, हाइब्रिड अनहाइब्रिड SP3 हाइब्रिड SP2 हाइब्रिड. तो जवाब क्या होगा, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल. यहाँ पर ये स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर तब होगा जब ये SP2 होगा. बट हियर दिस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई विच ऑर्बिटल, SP3 ऑर्बिटल. सो इट इज़ अ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर. इस पे और भी बहुत डिटेल्स है लेकिन वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई. इंशाल्लाह अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स इसकी मदद से क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू.